प्रभु ने आज हमको फिर से एक और मौका दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। जितने भाई लोग और जितनी बहनें आज शाम की सभा में पधारे हैं, मैं एक बार और उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले कई महीनों से हम प्रभु के वचन बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं और बाइबल में सृष्टि का और मनुष्य का जो इतिहास दिया हुआ है, उस इतिहास को हम आरंभ से अध्ययन करते आए हैं। मैंने पिछले महीनों में ये बात बताई थी कि आज से हजारों साल पहले किस तरह से मध्य पूर्व में, जहाँ इज़राइल, ईरान, इराक वगैरह है, वहाँ पर प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की एक बहुत ही सुंदर बगिया, एक गार्डन बनाया, उसमें मनुष्य को रखा। मनुष्य ने किस तरह से ईश्वर के साथ लंघन किया, ये सारी घटनाएं हमने पिछले महीनों में देखी थी। पिछले दो संदेश में मैंने एक युवा व्यक्ति के बारे में बताया था जिसका नाम था यूसुफ। 12 भाइयों में यूसुफ 11वां भाई था। प्रभु ने उसको स्वप्न के द्वारा बताया कि मैं तुमको महान बनाऊंगा, लेकिन उसके बड़े 10 भाइयों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में एकदम से अपने छोटे भाई से जबरदस्त कंपटीशन, प्रतियोगिता आ गई और उन्होंने कहा कि हम अपने छोटे भाई को ख़त्म कर देंगे जिससे कि ये बातें उसके जीवन में ना हों। लेकिन मैंने पिछले दो हफ्तों में ये इतिहास आपको बताया था कि किस तरह से प्रभु ने यूसुफ के जीवन में कार्य किया। यूसुफ को इन लोगों ने गुलामी में बेच दिया था, लेकिन यूसुफ को ले जाकर प्रभु ने उस समय दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली और सबसे महान देश था मिस्र, वहाँ पर उस राज्य का महामंत्री बना दिया। और फिर मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि किस तरह से जब देश में भयंकर भूखा, भयंकर अकाल पड़ा, तो भोजन के लिए यूसुफ के परिवार वालों को इजिप्ट में आना पड़ा। उन्होंने यूसुफ को साष्टांग प्रणाम किया, जो कि प्रभु ने यूसुफ को जो प्रकट किया था उसी के अनुसार था कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे माँ बाप तुमको प्रणाम करेंगे। यूसुफ और यूसुफ का परिवार लगभग सब मिला के 500 के करीब लोग थे। वो लोग इजिप्ट में बस गए, सेटल हो गए। इजिप्ट में एक बहुत ही अच्छा इलाका था जहाँ खूब घास और हरियाली थी, वहाँ ये सब लोग सेटल हो गए और वहाँ धीरे 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 फलने फूलने लगे। हर तरह से भोजन, जानवरों के लिए चारा, सब कुछ था और इसलिए वो लोग वहाँ पर बहुत अधिक बढ़ गए। इजिप्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और वहाँ जो राज्य करता था, उस राज्य को उससे छीन लेने के लिए इवन इजिप्ट के जो बादशाह थे उनके परिवार के लोग कोशिश करते थे। और इस कारण इजिप्ट का जो भी अधिकारी होता था वो हमेशा अपनी नज़र रखता था कि ऐसा कहीं तो नहीं है कि कोई मेरी शक्ति मुझसे छीन ले। यूसुफ मृत्यु हो गई, गुजर गया, कुछ पीढ़ियाँ बीत गईं, जो नया इजिप्ट का, मिस्र देश का जो नया रूलर, जो राजा महाराजाधिराज था, उसने देखा कि ये यहूदी लोग, मतलब यूसुफ के परिवार, यहूदी लोग तो बहुत अधिक बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, बहुत हेल्दी है, हट्टे कट्टे हैं, जानवर बहुत हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल
ये लोग बढ़कर मेरा राज्य मुझसे छीन लें। बाइबल में निर्गमन नाम की जो पुस्तक है उसके पहले और दूसरे अध्याय में आज हम कुछ बातें पढ़ते हैं। निर्गमन 1 और 2 मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले अध्याय के 8वें पद में हम देखते हैं, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था, और यदि वो यूसुफ को नहीं जानता था तो यूसुफ के जो घर वाले जिनकी संख्या अब लाखों में हो गई थी उनको भी नहीं जानता था। तो उस राजा ने कहा, आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और युद्ध का समय आए तो वो हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाएं। क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने आज्ञा दी कि मिस्र में जितने यहूदी लोग रहते हैं उनके घर में जितने बच्चे पैदा होते हैं सबको मार डाला जाए। उस जमाने में हॉस्पिटल्स तो होते नहीं थे। अरे उस जमाने में क्या, आज से 20-25 साल पहले तक भारत के कई इलाकों में बच्चे घर में ही पैदा होते थे। अभी भी बहुत सारे गांवों में जब प्रसव का समय आता है तो बच्चे घर में पैदा होते हैं, घर की बड़ी बूढ़ियाँ उसको अटेंड करती है और एक अनुभवी दाई आकर वो अटेंड करती है। तो उस समय इजिप्ट देश में जो इजिप्शियन मिस्र देश की जो दाइयाँ थी, राजा ने बुला के उनको आदेश दिया, सुनो ऐसा करना कि इन यहूदियों के घरों में जब बच्चे पैदा हों तो पैदा होते ही उनको गला घोट के मार डालना। लेकिन ये दाइयाँ ईश्वर का भय मानती थीं। उन्होंने क्या किया, राजा का कहना नहीं माना और राजा ने पूछा कि तुम इन बच्चों को मार क्यों नहीं डालती? तो उन्होंने कहा कि ये स्त्रियाँ हमारे पहुँचने से पहले ही बच्चा जन्म दे देती हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तब मिस्र के रूलर ने एक आज्ञा निकाली, ऐसी आज्ञा जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पहला अध्याय 22वें पद में हम पढ़ते हैं, तब फिरौन ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी। फिरौन कौन? मिस्र देश का जो बादशाह था उसको फिरौन कहा जाता था उनकी भाषा में। फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, यहूदियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नदी में डाल देना। वहाँ इजिप्ट के पास एक बहुत अति विशाल नदी थी जिसको नील नदी कहा जाता था, अभी भी उसको नील नदी कहा जाता, अभी भी वो नदी वहाँ पे है। मिस्री लोगों को आज्ञा दी, इजिप्शियंस को आज्ञा दी कि तुम्हारे इस देश में जितने यहूदी लोग हैं उनके घर में जितने पुत्र पैदा होते हैं उनको नदी में डाल के मार डालना। ऐसी आज्ञा क्यों दी? इसके पीछे 2 कारण है। यहूदी लोग जब बहुत बढ़ने लगे तो मिस्री लोग, मिस्र देश के लोग वैसे ही डर रहे थे, कल को ये कहीं हमारे देश पर कब्जा ना कर लें। दूसरी बात, उनके घर में जितने बेटे पैदा हो रहे हैं उन सबको यदि मार डालें कल क्या होगा, जब 50 लड़कियां, सैकड़ों लड़कियां, हजारों लड़कियां या लाखों लड़कियां शादी की उम्र हो जाएगी, जब उनके बीच में उनके लिए लड़के नहीं होंगे तो वो आकर हमारे लड़कों से शादी करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे और उनके बीच में जो अंतर है वो अंतर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से वो जो यहूदी लोग हैं उनको पूरी तरह से यदि हम अपने आप में मिला लें तो कल कोई खतरा नहीं होगा। हम इस बात को जानते हैं, बाइबल का इतिहास पिछले कई महीनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, और उस इतिहास में हमने ये बात देखी थी कि प्रभु ने अपने लिए एक ग्रुप लोगों को चुन लिया था, उन लोगों से कहा था कि तुम अपने आप को अलग रखना, तुम मुझ पर विश्वास करना, मेरी आज्ञा मानना,
मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ उसके अनुसार जीना, और जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते उन लोगों से शादी ब्याह और आपसी संबंध ना रखना। इसलिए वो लोग तो एकदम से अलग रहना चाहते थे। मिस्र देश का राजा चाहता था कि जब लड़के नहीं होंगे तो क्या अलग रहेंगे, उनको हमसे शादी करनी पड़ेगी। और इस तरह से प्रभु के जो लोग हैं और जो प्रभु के विपरीत हैं, ये सब एक दूसरे में मिलकर पूरी तरह से एक जनता बन जाएगी। ईश्वर अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखते हैं। जिस तरह से यूसुफ को बताया था कि मैं तुमको एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करूंगा, उसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी देश में क्यों ना हो, जो लोग ईश्वर का भय मानते हैं, ईश्वर उनकी सुरक्षा करते हैं, प्रभु उनकी सुरक्षा करते हैं। इस बीच एक अद्भुत घटना हुई। घटना तो इतनी एक छोटी सी घटना थी। एक और परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, यहूदियों के एक परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, और देखने में वो बालक बहुत सुंदर और आकर्षक था। बच्चे जो एकदम से नवजात पैदा होते हैं तो देखने में वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं, और उसके साथ साथ यदि बच्चा एक्स्ट्रा आकर्षक हो तो माँ बाप का दिल, देखने वालों का दिल एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। दूसरे अध्याय में हम यूँ पढ़ते हैं, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देख के कि वो बालक सुंदर है, 3 महीने तक छुपा रखा। राजा की आज्ञा क्या थी, यहूदियों के परिवार में यदि एक बालक जन्म लेता है तो उनके पड़ोसी इजिप्शियंस, मिस्री लोग ढूंढ ढांड के उस बच्चे को लोकेट करके उस बच्चे को ले जाकर नदी में डाल के मार डालें। कितना समय आप लोगों से छुपा कर रखेंगे, घर में यदि एक बच्चा पैदा हुआ कितना समय आप छुपाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने। उस जमाने के मकान आज के मकानों के समान कोई बहुत बड़े मकान तो होते नहीं थे, पास 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 मकान बनाते थे। एक मकान में यदि बच्चा रो रहा है तो पड़ोसी को तो पता चल ये बात पता चल जाती कि उस मकान में बच्चा है, और पड़ोसी पूछता कब हुआ, कहाँ हुआ, लड़का है या लड़की। अब यदि आप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि लड़की है, कल को आप लड़की के वस्त्र में तो उसको बाहर भेज नहीं सकते, और यदि लड़के को लड़की का कपड़ा पहना भी दो तो भी बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़का है। 3 महीने के बाद माँ बाप की बड़ी मुसीबत हो गई। अब इस बच्चे का क्या करें, क्योंकि बच्चे के प्रति माँ बाप का जो स्वाभाविक प्रेम है, और बच्चा एक्स्ट्रा आकर्षक था तो उसके कारण जो और एक्स्ट्रा प्रेम था उसके कारण बच्चे को तो 3 महीने रख लिया। अब क्या हो, फाइनली बच्चे की माँ ने एक सॉल्यूशन सोचा। उन्होंने एक अच्छी सी बड़ी सी टोकरी ली, उस टोकरी में अंदर बाहर एक विशेष प्रकार का गोंद लगाया जिससे टोकरी को यदि नदी में डाल दो तो वो डूब ना जाए, उसके अंदर पानी ना आए। इस तरह से एक टोकरी रेडी करके, नाव के समान जो पानी में तैर सके टोकरी तैयार करके, उसमें कपड़ा वगैरह बिछा के इस बच्चे को उसमें लिटा दिया, और लिटा कर जिस नदी में बच्चों को फेंका जाता है, नील नदी में, उसमें ले जाकर नील नदी में बहुत सारे गन्ने के समान लंबे पौधे हुआ करते थे, उन पौधों के बीच में इस टोकरी को छोड़ दिया। देखिए, कोई माँ अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देख सकती है, तो उसको एक टोकरी में डाल के पानी में डाल दिया, तो अभी ऐसी जगह डाला जहाँ वो बह के चला नहीं जाएगा, वहाँ पड़ा रहेगा। माँ के मन में जरूर ये आशा रही होगी कि शायद प्रभु उस बच्चे को बचा लें।
अच्छा, उस बच्चे को उसकी बहन दूर से देख खड़े खड़े होकर देखती जा रही थी, उस टोकरी का क्या हुआ, उस टोकरी का क्या हुआ, टोकरी कहीं बह तो नहीं गई, बच्चा रो तो नहीं रहा है। इस बीच मिस्र देश की राजकुमारी स्नान करने के लिए आई। मिस्र देश के लोग इन मामलों में बहुत पर्टिकुलर थे, सुबह नदी में जाना, स्नान करना, सारे बदन को घिसना और बहुत कुछ वो लोग करते थे। तो राजकुमारी नेचुरली वो अपने कम से कम 10-20 दासियों के साथ आई होगी, दासियों के साथ वो लोग पानी में उतरे तो उन्होंने टोकरी को देखा, लाने को बोला। पांचवें पद में देखते हैं, उसने कांसों के बीच में टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे लाने के लिए भेजा। छठे पद में हम देखते हैं, उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, उसे तरस आया, उसने कहा यह तो किसी यहूदी का बालक मालूम पड़ता है। वो कौन राजकुमारी थी इसके बारे में आज हम जानते हैं। मिस्र देश का इतिहास बहुत डिटेल में मालूम है, किसने राज्य किया, कब राज्य किया, उसका नाम क्या था, यह तक मालूम है। उस राजकुमारी का नाम था हेतशेपसत। हेतशेपसत उस राज्य की अधिकारी थी। उसका पति तत्मोस द्वितीय वहां का महाराजाधिराज था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। शादी के बहुत सालों के बाद तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। कायदे के अनुसार महाराजाधिराज का बड़ा बेटा अगला राजा बनेगा। वो राजा बनेगा तो वो अपने परिवार की सुरक्षा करेगा, लेकिन तत्मोस द्वितीय महाराजाधिराज के कोई बच्चा ही नहीं था और इसके कारण उनकी महारानी हेतशेपसत बहुत ही दुखी थी। जब एकदम से इस लावारिस सुंदर आकर्षक बच्चे को देखा तो ना केवल उसका मन उमड़ आया, उसने सोचा कि अरे इसको अडॉप्ट कर लें तो ये अपना बेटा बन जाएगा, और अपना बेटा बन जाएगा तो ये मिस्र का अगला राजाधिराज हो जाएगा, तो अपने को सुरक्षा हो जाएगी। उसने उस बालक को लिया, उसका नाम रखा मूसा, जिसका मतलब है कि उसको पानी से निकाला गया। एकदम से मूसा की बहन जो ये सब देख रही थी दौड़ के गई राजकुमारी के पास और पूछा कि इस बच्चे के पालन पोषण के लिए, बच्चा यहूदी है इसलिए यहूदियों के बीच में बहुत सारी दाइयां हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें से किसी एक को बुला लाऊं क्या। उस जमाने में एक सिस्टम था, कई बार माँ उसका दूध पर्याप्त नहीं होता है तो वे स्त्रियां जिनके पास दूध एक्स्ट्रा होता है वो बच्चों को दूध पिलाती थी। तो राजकुमारी खुश हो गई क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो तो दूध नहीं पिला सकती थी। उसने कहा कि हाँ हाँ एक दाई को बुला लाओ। इस मूसा की बहन ने क्या बुद्धिमानी का काम किया कि मूसा की माँ को बुला लाई। ये देखिए एक दाई है और ये बच्चे को दूध पिला सकती है। राजकुमारी ने पूछा कि तुम मेरे बच्चे को पाल कर दूध पिला सकती हो क्या। उसने कहा महारानी मैं कर सकती हूँ, बाइबल में ये सारी बातें क्लियरली लिखा है। ठीक है, फिरौन की बेटी ने, मतलब उस समय की जो राजकुमारी थी, तुम इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको मजदूरी दूंगी। ईश्वर का प्रबंध देखिए कि जहाँ लोग अपने बच्चों को मार डालने के लिए मजबूर थे वहाँ पर मूसा की माँ को ही जिम्मेदारी दे दी गई कि वो मूसा का पालन पोषण करे और उसके लिए मिस्र से पैसा, राजकोष में से पैसा भी मिल रहा है और सुरक्षा भी मिल रही है क्योंकि राजकुमारी के लिए इस बेटे को पाला जा रहा है। इस तरह से मूसा के स्वयं की माँ ने बिना किसी डर के
बिना किसी प्रॉब्लम के उस अपने स्वयं के बेटे को पाला, और पालने के एक नियमित समय के बाद उसने ले जाकर बेटे को वापस राजकुमारी को सौंप दिया। दसवें पद में हम देखते हैं, बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और उसका बेटा ठहरा। हतशेपसुत ने इस तरह से उसको अडॉप्ट कर लिया और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल में से निकाला है। जरा देखिए, यहूदी लोग अपने बच्चों को पानी में डालकर मार डालने के लिए मजबूर थे, और यदि वे अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करते तो उनके पड़ोसी ऐसा करते। राजा ने नियम ऐसा बना लिया था। लेकिन जीवन में कितनी भी असंभव स्थिति क्यों ना हो, ईश्वर का हाथ जिस व्यक्ति के ऊपर है उसकी सुरक्षा प्रभु स्वयं करते हैं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो लोग यहूदियों के बीच में बेटा पालने के विरोध में थे, उन लोगों ने मूसा की सुरक्षा की और मूसा का खर्चा पानी भी दिया, और एक पर्टिकुलर उम्र के बाद मूसा को ले जाकर मिस्र देश में राजकुमारी को दे दिया गया। उस समय सिस्टम यह था कि माँ बच्चे को कम से कम 2-3 साल दूध पिलाती थी, तो मेरा अनुमान है कि मूसा कम से कम 3 साल का हो गया होगा जब उसने फाइनली माँ ने ले जाकर पूरी तरह से राजकुमारी के हाथ में दे दिया। लेकिन जिस बच्चे को जिस माँ ने दूध पिलाया है उसके साथ अटैचमेंट तो हमेशा होता है, और इस कारण इस बात की संभावना है कि मूसा को ले जाकर राज दरबार में दे देने के बाद भी मूसा की दाई होने के कारण मूसा की माँ को बीच बीच में जाकर राजकुमारी से मिलने, हतशेपसुत से मिलने, मूसा से मिलने और बातचीत के लिए आज़ादी रही होगी। उस माँ ने क्या किया? ये एक विशेष बात है। उस माँ ने क्या किया ये बात हमको स्पष्ट पता चलती है 11वें पद में। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ तो बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। कौन है मूसा के भाई बहन? जिस व्यक्ति को मिस्र देश की राजकुमारी ने अडॉप्ट कर लिया है, अब वो यहूदी नहीं है। उनके तौर तरीके और कस्टम के अनुसार वो तो राज दरबार का राजकुमार है, और इसलिए उसके परिवार के लोग कौन है, उसके भाई बंधु लोग कौन है? जो राज परिवार के मेंबर हैं। और मिस्र देश में राज परिवार तो बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके बहुत सारे कजिन्स रहे होंगे, उसके पिताजी के छोटे भाई के बेटे, बड़े भाई के बेटे और बुआ जी के बेटे, इस तरह से चाचा, काका, ताऊ, मामा, मामी, सबके बेटे बेटी रहे होंगे जो कि उसका कस्टम के अनुसार या तौर तरीके के अनुसार उसके भाई बहन हैं। लेकिन मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने किसको अपना भाई बहन माना? अपने स्वयं के लोगों को। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तब यह बात पता चलती है कि उस समय मूसा की उम्र 40 साल की थी। माँ ने पाला, वापस राजकुमारी को दे दिया, राजकुमारी के साथ कम से कम 37 साल रहा, 37 साल इजिप्ट में रहा, इजिप्ट के राजमहलों में रहा, इजिप्ट के बड़े से बड़े पंडितों ने, ज्ञानी लोगों ने उसको ट्रेनिंग दी, और इतिहास से हमको पता चलता है कि मूसा मिस्र देश के सारे ज्ञान में एक्सपर्ट हो गया। नए नियम में भी लिखा हुआ है कि वो मिस्र के सारे ज्ञान में एक्सपर्ट हो गया, और इतिहास से हमको एक खबर मिलती है कि मिस्र देश में जो पिरामिड होते हैं, आपने चित्र में देखा होगा, त्रिकोण जो भारी भरकम बिल्डिंग होते हैं जिनको पिरामिड कहा जाता है, इतिहास से ऐसी सूचना मिलती है
कि उसमें से एक पिरामिड मूसा की देखरेख में बनाया गया था। तो कितना महान व्यक्ति हो गया 40 साल की उम्र में, लेकिन 40 साल की उम्र में भी पिछले 37 साल जिस महल में वो रहा, जहां वो पला, जहां पंडितों ने उसे मिस्र देश की सारी शिक्षा दी, वहां पर अपने अडॉप्ट किए हुए परिवार में अपने ताऊ, चाचा, मामा, काका, बुआ, फूफा, इन सब के बच्चों को जो कि उसका परिवार था, उसने उन लोगों का अपना असली परिवार नहीं माना, उसने अपना असली परिवार यहूदी लोगों को माना। यहाँ हम एक विशेष बात देखते हैं, एक माँ का प्रभाव अपने बेटे, अपने बच्चे के ऊपर। 37 साल वो इजिप्ट देश में, मिस्र देश में, महलों में रहा, लेकिन अपने लोगों के प्रति उसका प्रेम, उसका अटैचमेंट, उसका स्नेह खत्म नहीं हुआ। बल्कि 40 साल का जब वो युवराज हो गया, वो समय है जब वो सत्ता, रूल, महल का नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाला है, उस समय वो बाहर गया अपने भाई बहनों को देखने के लिए। क्या हुआ? जब मूसा जवान हुआ, बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, वो लोग गुलाम थे, उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक यहूदी भाई को मार रहा है। मूसा यहूदी था, अडॉप्ट होने के कारण अब वो राजकुमार था मिस्र देश का। उसने इधर उधर देखकर जब देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और उधर जो बजरी थी, बालू थी, उसमें छुपा दिया। देखिए, किसी व्यक्ति को मारना इतना आसान नहीं है। तो मूसा कितना मजबूत, हट्टा कट्टा हो गया था, इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य में जो राजकुमार था, उसको खाने पीने स्वास्थ्य की क्या कमी थी। तो जब वो हट्टा कट्टा जब हो गया, बाहर आया, उसने देखा कि उसके लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा, उसने मार डाला। ठीक है, वो इस बात को जानता था कि उसके लोग, यहूदी लोग, आज मिस्र में गुलाम हैं, और इसलिए वो अपने लोगों को बचाना चाहता था, उनकी सुरक्षा चाहता था। दूसरे दिन वो बाहर गया, दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो उसके ही भाई आपस में मारपीट कर रहे हैं, दो यहूदी लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से पूछा, तुम अपने भाई को क्यों मारते हो? उसने कहा, किसने तुमको हमारे ऊपर हाकिम या न्यायी ठहराया है, जिस तरह से तूने कल मिस्रवासी की हत्या कर दी थी, उस तरह से मुझे भी मार डालना चाहते हो क्या? देखिए, एक दिन पहले मूसा ने जो किया वो बड़ा रहस्य था, आज मूसा को पता चला कि बात सब जगह फैल गई है। मूसा बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उसको मिस्र देश में अडॉप्ट कर लिया गया था, गोद ले लिया गया था, 37 साल वो महल में रहा था, 40 साल वो राजकुमारी का पुत्र माना गया था, लेकिन था वो विदेशी, और इसलिए उसके जितने कजिन्स थे, स्वाभाविक है कि वो सब उससे जलते होंगे। क्यों? इसलिए कि बाहर से आया है और अब राज्य इसका हो जाएगा, इसको यदि राजकुमारी ने अडॉप्ट नहीं किया होता तो राज्य हम में से किसी को मिलता। मूसा इस बात को समझ गया कि जैसे ही ये बात राजाधिराज के कान में पहुंचेगी, खतरा हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। 15वें पद में हम देखते हैं, जब फिरौन राजाधिराज ने ये बात सुनी, तब मूसा के हत्या की युक्ति की। आफ्टर ऑल, अडॉप्ट किया हो या नहीं किया हो, वो मिस्री तो नहीं था, मिस्र देश का तो नहीं था, और राजा भी चाहता था कि राज्य उसी के परिवार में किसी को जाए, एक विदेशी को क्यों जाए। आगे लिखा हुआ है, मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। हट्टा कट्टा था, दो चार दिन तक भागते भागते जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और मिस्र देश से बहुत ही ज़्यादा दूर
एक स्वतंत्र देश था मिद्यान, वहाँ जाकर रहने लगा। रह के उसने क्या किया, इतने बड़े राज्य का राजकुमार का पद उसने खो दिया, उससे उसको क्या फायदा हुआ, ये सब हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन आज प्रभु के वचन से जो भाग हमने पढ़ा है उसके आधार पर दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर वन, मेरी बहनें जो प्रभु की वाणी आज सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बहनों, आप लोगों को नहीं मालूम कि आपका प्रभाव अपने बच्चों के ऊपर कितना अधिक है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो हाथ पालने को डोलता है, पालना मीन्स जिसमें अपन बच्चे को डालते हैं रस्सी पे, आजकल कम हो गया है, कम से कम मेरे बचपन तक तो पालना हुआ करता था, उसमें बच्चे को डाल के उसको झुलाया जाता था, अभी भी गांवों में झूला या पालना होता है, उसमें डाल के बच्चे को झूला के उसके साथ साथ एक गाना या लोरी सुनाओ तो बच्चा जल्दी सो जाता है, रो रहा है तो अभी शांत हो जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जो हाथ पालने को डुलाते हैं वो हाथ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो सारी दुनिया को चाहे तो डुला सकते हैं। कैसे? उस बच्चे को दूध के साथ माँ जो ट्रेनिंग देती है, जो प्रोत्साहन देती है, वो उस बच्चे के मन में बहुत गहराई से बैठ जाता है और आसानी से कोई भी व्यक्ति उस बच्चे के मन से उसको हटा नहीं सकता है। मूसा मुश्किल से 3 साल अपनी माँ के पास रहा था, लेकिन उस 3 साल में इस बुद्धिमान बालक के मन में माँ ने ठूस ठूस के प्रभु के प्रति जो भक्ति है और प्रभु के लोगों के प्रति जो स्नेह है वो ऐसा भर दिया था कि अगले 37 साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य के राजमहल में गैर विश्वासी पंडितों और विद्वानों के द्वारा ट्रेनिंग दिए जाने के बावजूद मूसा के मन में जो विश्वास था उस विश्वास को वो लोग डिगा नहीं सके। और बहनों को यही बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रिय बहनों, आजकल कई बार नौकरी और अन्य चक्करों में, मैं नौकरी के लिए मना नहीं कर रहा, क्या हुआ है ये बताना है, नौकरी और अन्य चक्करों में कई बार माएँ अपने बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देना है, जो शिक्षा देनी है, वो कई बार भूल जाती हैं और भूलने के कारण बच्चे के मन में ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति जो भक्ति भावना ठूस ठूस कर भरनी है वो भरना भूल जाती हैं। उनको लगता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मेरे प्रिय बहनों, वो कल कभी नहीं आता है, कल किसी ने नहीं देखा है। और इसलिए प्रभु ने आपके जीवन में जो अवसर दिया है उस अवसर का, या जो अवसर आपके जीवन में प्रभु देने जा रहे हैं उसका भरपूर उपयोग करके अपने बच्चे के मन में प्रभु के प्रति भक्ति भावना को और प्रभु के लोगों के प्रति स्नेह की भावना को ठूस ठूस कर भरना आपकी जिम्मेदारी है, इसको कभी ना भूले। दूसरी बात, मूसा के जीवन को जब हम आगे पढ़ते हैं तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु के लोगों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार से उनका बचाव करने के लिए ही प्रभु ने मूसा को जन्म दिया था और अन्य जितने बालक थे उनकी मृत्यु हुई तो भी मूसा को प्रभु ने मृत्यु से बचा कर रखा और मिस्र के सर्वोत्तम टीचर्स को देकर, सर्वोत्तम भोजन को देकर उसका पालन किया, क्योंकि प्रभु मूसा के द्वारा अपने लोगों का बचाव करना चाहते थे। लेकिन एक कंडीशन है, मनुष्य प्रभु के लिए जो भी कार्य करता है उसे अपनी बुद्धि से नहीं करना है। मूसा ने क्या किया, जब वो बाहर निकला, झगड़ा होते देखा, गुस्सा आया,
खून खौल गया, तुरंत उसकी हत्या कर दी। यह उसकी गलती थी। मूसा कौन था? वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, मिस्र देश का राजकुमार था। वो डांट फटकार करके दोनों को अलग कर सकता था, लेकिन बुद्धिमानी से कार्य करने के बदले उसने मानुषिक क्रोध से काम लिया, मानुषिक बुद्धि के अनुसार। जो मेरे भाई को मारपीट कर रहा है, भाई के साथ मारपीट कर रहा है, मैं उसको खत्म कर दूंगा, और गुस्से में उसने उसको खत्म कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? जिस राज्य में 40 साल तक वो राजकुमार माना गया था, जिस राज्य की सत्ता, जिसका रूल, जिसका नियंत्रण कल उसके हाथ में आना था, और जिस राज्य का नियंत्रण उसके हाथ में आ जाता तो उस नियंत्रण के द्वारा वो प्रभु के लोगों को मुक्ति दे सकता था, छुटकारा दे सकता था, वो राज्य रातों रात उसके हाथ से छिन गया। जरा सोचें, 40 साल तक ये बात मानी गई थी कि वो राज्य करेगा, और यदि वो राज्य करता तो अपने लोगों को बहुत अधिक छुटकारा दे सकता था। मिस्र का राजाधिराज जो कह देता था उसे लोग तो ईश्वर के वचन के रूप में मानते थे, बल्कि मिस्र देश के लोग तो अपने महाराजाधिराज को अपना ईश्वर मानते थे। वो पोजीशन प्रभु ने उसको दिया, 40 साल वो पोजीशन उसके साथ रहा। 40वें साल जरा से क्रोध के कारण, जरा सी लापरवाही के कारण, जरा सी जल्दबाजी के कारण उसने वो अधिकार, वो अवसर, वो पोजीशन जो उसके हाथ में आने वाला था, जिसके द्वारा वो प्रभु के लोगों का बचाव कर सकता था, वो पोजीशन खो दिया, रातों रात खो दिया। मैंने इसलिए बोला कि आज हत्या की, कल तक सब जगह खबर फैल गई। मिस्र का जो राजाधिराज उस समय था उस तक भी खबर पहुंच गई, और वो मूसा को मारने के लिए तैयार, मार डालने के लिए तैयार हो गया। मुझे और आपको, मैं और आप चाहे कोई भाषा क्यों ना बोलते हो, मैं और आप हिंदुस्तान के चाहे किसी भी इलाके में क्यों ना पैदा हुए हों, कोई भी नौकरी क्यों ना करते हो, हम में से हर व्यक्ति के लिए प्रभु की एक इच्छा है। मेरे लिए प्रभु की कोई इच्छा है, आपके लिए प्रभु की कोई इच्छा है। कई बार हम उस इच्छा को पहचानते भी हैं, लेकिन जल्दबाजी में प्रभु हमारे द्वारा जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को खो देते हैं। मुझे याद है आज से 40 साल पहले, 40-45 साल पहले, मेरे चर्च में दो भाई लोग थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। हमारे शहर के पास एक इलाके में दोनों ने ले जाके क्लिनिक चालू किया, और क्लिनिक बहुत ही अच्छे से चलने लगा। गांव का इलाका था, वहाँ डॉक्टर कहाँ, तो जो भी आ गया उसको तो लोग ईश्वर मानते थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा वहाँ हजारों गॉस्पल्स बांटे गए, प्रभु का शुभ संदेश हजारों लोगों को सुनाया गया। लेकिन एक बार किसी से दुश्मनी हो गई, और रात को आके उन लोगों ने इन दोनों को बुरी तरह से मारा। पेशे में, प्रोफेशन में कई बार ऐसा हो जाता है। इन दोनों ने तुरंत डिसीशन लिया, नहीं अब हम डॉक्टर का काम नहीं करेंगे, हम तो अब बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ेंगे। मैं उस समय बीएससी में पढ़ता था, मैंने उसका जम के विरोध किया। मैंने कहा कि इस गांव में तो लोगों की मारपीट की आदत है, तो इसलिए लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना डॉक्टरी पेशा छोड़कर बाइबल स्कूल भाग जाएं। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने तुरंत मेरे फादर से रिकमेंडेशन लिखवाया, मद्रास में बाइबल स्कूल चले गए। वहाँ गए तो पता चला कि बाइबल स्कूल में तो मिलिट्री से भी ज़्यादा कड़ाई से अनुशासन होता है, सुबह से शाम तक गधे के समान काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको फ्री टाइम नहीं, रात को 2 बजे तक पढ़ना पड़ता है, 2 बजे लेटो, 4 बजे उठना पड़ता है। 3 महीने में दोनों वहां से भाग गए।
क्यों? इसलिए कि प्रभु ने उनको डॉक्टरी पेशे के लिए बुलाया था, बाइबल स्कूल जाने के लिए नहीं। डॉक्टरी पेशा चंबल के किसी इलाके में करो तो दो चार एक आध बार हो सकता है लोग मारपीट करें, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन आपका कार्य आपको विश्वास योग्यता से करना है। उन्होंने जल्दबाजी में अपनी बुद्धि से एक डिसीशन लिया, ये छोड़ दिया, वहाँ चले गए, वहाँ नहीं कर पाए, वापस आए। वो हिंदी में कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो वो जब तक वो वापस आए तब तक वहाँ और कोई डॉक्टरी का पेशा, वो धंधा जमा चुका थे, इसलिए अब वो उस गांव में वापस नहीं जा पाए। निराश हो गए। निराशा के कारण वो अपना पेशा सही रीति से कई साल जमा नहीं पाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको प्रभु ने जिस कार्य के लिए भी बुलाया है उस कार्य में लगे रहे, डटे रहे। टीचिंग के लिए बुलाया है, टीचिंग में रहें। घर गृहस्थी के लिए बुलाया है, घर गृहस्थी में रहें। मजदूरी के लिए बुलाया, मजदूरी करते रहें। बिजनेस के लिए बुलाया है, बिजनेस करते रहें। जहां भी प्रभु ने आपको बुलाया है वहां विश्वास योग्यता से काम करते रहें। जल्दबाजी में कुछ ना करें और हर दिन प्रभु से पूछते रहें कि प्रभु, आपने मुझे यदि यहां रखा है तो मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है। मूसा को ये पूछना चाहिए था, प्रभु मैं एक यहूदी हूं पैदाइश से, यहूदियों को ईश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है, आपने मुझे वहां से उठाकर मिस्र देश के राजमहल में 40 साल रखा, 37 साल ट्रेनिंग दी, आपकी क्या इच्छा है। यह पूछने के बदले उसने अपनी बुद्धि के द्वारा हल निकालने की कोशिश की। रिजल्ट क्या हुआ कि वहां से भाग गया। भाग के जिस देश में जाके रहा वहां कितने साल रहा? 40 साल। अपने देश को छोड़कर, अपनी गद्दी को छोड़कर 40 साल विदेश में रहने के बाद वापस उसको कोई लेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेगा। ऐसा ही हुआ मूसा के साथ। उसने राजमहल खो दिया, उसने गद्दी खो दी, सब कुछ खो दिया। 40 साल के बाद वो वापस आया। ऑफ कोर्स तब तक उसका नजरिया बदल चुका था, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के इतिहास में प्रभु ने बहुत सारे लोगों को अपने लिए सेलेक्ट किया है। यूसुफ को सेलेक्ट किया, उसने हर कार्य प्रभु के ऊपर डिपेंड करके, आश्रित होकर किया। उसका रिजल्ट, कल तक जो गुलाम था आज वो महामंत्री बन जाता है। मूसा ने सोचे समझे बिना, ईश्वर पर भरोसा रखे बिना, ईश्वर से पूछे बिना जल्दबाजी में काम किया और जो 40 साल तक राजकुमार था आज वह भगड़ा हो गया। उसको भाग जाना पड़ा, परदेशी हो जाना पड़ा। मेरे और आपके जीवन में प्रभु की एक न एक इच्छा है। मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है। लेकिन प्रभु ने हमको यदि संसार में रखा है तो हमारे लिए निश्चित रूप से प्रभु की एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है इसको समझकर उसके अनुसार जीवन बिताना जरूरी है। ये दो बातें मैं आज शाम को आप सबको बताना चाहता था। उसके साथ साथ एक तीसरी बात भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो इस तरह की सभा में मैं बार बार याद दिलाता हूँ, और वो ये है कि जिस व्यक्ति ने भी इस संसार में जन्म लिया है उसको आज या कल ये संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। हिंदी में बहुत ही सुंदर कहावत है, आया है सो जाएगा। राजा हो, भिखारी हो, त्यागी हो, जिसके पास सब कुछ है राजा, भिखारी जिसके पास कुछ नहीं, त्यागी जिसने सब छोड़ दिया है। राजा का पैसा उसको अमर नहीं बनाता है, भिखारी कंगाल है वो अमर नहीं हो जाता, जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो अमर नहीं हो जाता है। हम सबको छोड़ जाना पड़ेगा। 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 90 साल, कितने साल? मैंने आज तक जितने लोग देखे हैं उसमें सबसे ज्यादा उम्र थी मेरे परदादा की, दादा के फादर की,
130 साल में वो भी चले गए। मेरे दादाजी 87, हमारे परिवार में पुरुषों की उम्र बहुत लंबी होती है, इसके बावजूद मेरे दादा 87 साल की उम्र में चले गए। मेरे फादर 87 साल के हैं और आजकल तो रोज रोज जब भी बात होती है वो कहते देखो मेरे जाने के बाद ऐसा करना ऐसा करना ऐसा। मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि पापा आप काहे को ये सब बोल रहे हैं, कोई जल्दी ना करे। लेकिन पापा कहते देखो बेटा मनुष्य को एक ना एक दिन जाना होगा और इसलिए मैं तुझे ये सारे निर्देश दे रहा हूँ। आया है सो जाएगा, राजाधिराज जाएगा, भिखमंगा जाएगा, त्यागी जाएगा, मैं जाऊंगा चला जाऊंगा, आप भी जाएंगे। जाने के बाद प्रभु के सामने खड़े होना होगा। प्रभु के वचन में स्पष्टतया लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए एक दिन मरना और उसके बाद न्याय ईश्वर ने नियुक्त किया है। जरा बताएं कल प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, मेरा नाम लिया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा। जब प्रभु के सामने जाकर खड़े होंगे तो अभी ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसा खड़ा हो पाऊँगा क्या, मैं हो पाऊँगा क्या, आप खड़े हो पाएंगे या प्रभु के सामने ऐसे खड़े होंगे डरते डरते। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कल को जब मैं प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा तो मुझे ना तो आंख बंद करने की ज़रूरत है ना सर झुकाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु के वचन में जिस तरह से कहा गया है एग्जैक्टली उस तरह से प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके मैंने एक नया जीवन पाया है, जिसके कारण मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रभु की संतान हूँ। और कल को यदि यह संसार छोड़ जाऊंगा तो न्याय सिंहासन के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा तब प्रभु कहेंगे शास्त्री फिलिप यह मेरा बेटा है, यह स्वर्ग जाएगा। आप मेरे भाई आप कल प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तब आपके बारे में प्रभु ऐसा ही कहेंगे क्या, मैंने क्या किया? प्रभु के वचन के अनुसार मैंने इस बात को मान लिया कि मैं पापी हूँ, मेरे कर्मों के द्वारा मैं अपना बचाव नहीं कर सकता। प्रभु यीशु इस संसार में इसलिए पधारे कि मेरे लिए अपना जीवन बलिदान के रूप में दें। और मैंने जब ये बात सुनी तो प्रभु यीशु को और प्रभु के बलिदान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके स्वीकार कर लिया। तब से मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस है, आया हूँ जाऊँगा लेकिन सदा सर्वदा के लिए मैं प्रभु के साथ रहूंगा। ये तीसरी बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि ये कॉन्फिडेंस ये अनुभव आपके जीवन में नहीं है तो इसको पाकर ही इस हॉल से बाहर जाएं। इस अनुभव के बारे में आपको विस्तार से बताने के लिए यहाँ कई भाई लोग मौजूद हैं, कई बहनें मौजूद हैं, इनमें से कई लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं, कई लोग टूटी फूटी बोलते हैं, लेकिन सब बोल लेते हैं और इन बातों को ये सब आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। इसलिए इन बातों को जाने बिना इस हॉल से बाहर ना जाएं। मुझे जो बात आपको बतानी है वो मैंने बता दी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन की सुरक्षा कर लें।